आपका नाम क्या है? देवेंद्र सर। देवेंद्र जी आप क्या करते हैं? हम तो अभी उधर वर्क करते हैं बेंगलोर में सर। बेंगलोर में क्या काम है आपका? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का। और यहाँ इस आप ये आपका गांव है? हाँ ये हमारा गांव है। क्या नाम है इसका? इसका बागोरिया पड़ा है सर। अच्छा कौन से जिले में पड़ता है ये? ये करौली जिले में पड़ता है। करौली जिले में पड़ता है। तो देवेंद्र जी आप कितने दिन वापस यहाँ पर आते हैं अपने गांव में? 4 महीने 5 महीने में वापस आते हैं। 5 महीने। तो अभी जिस पोखर पे आप खड़े हैं तो आप इन पोखरों का क्या फायदा हुआ है आपके इस इलाके में? इन पोखरों से तो सर बहुत फायदा हुआ है। पहले कोई अनाज भी पैदा नहीं करता था इधर, अभी सब लोग अनाज पैदा कर रहे हैं, सरसों कर रहे हैं, गेहूँ कर रहे हैं और ये आलू है, सब्जी भी सब घर पर ही लगा रहे हैं अभी पोखरों से। क्योंकि पानी, पहले पानी नहीं था तो फसल नहीं थी, अभी पानी हो गया तो सभी जगह फसल कर रहा है, गेहूँ भी हो रहा है, सरसों भी हो रहा है, बाकी सभी चीज़ कर रहा है लोग इधर। पहले तो, कोई भी इधर जमीन ही नहीं करता था, बंजर रहती थी। तो जब जब खेती नहीं करते थे तो फिर उनकी आजीविका कैसे चलती थी? अभी इधर उधर ये से पत्थर फोड़ते थे पहाड़ों में, ये खान बोलते हैं ना, उधर खान कर करके आके उधर से 200 से 400 500 लेके और कुछ कंट्रोल से गेहूँ मिलते थे, कोई काम करके ऐसे ही काम चला रहे थे कि कट्टा ले लेके। अभी घर का खुद गेहूँ हो रहा है, ये 2-3-4 साल से आया जब से खुद का गेहूँ करने लगे सभी। तो पूरी डांग क्षेत्र पे ये पोखर बनने से बहुत फायदा हो गया उन लोगों को, सभी को, हमको। अच्छा जैसे आप अभी बंगलौर में काम करते हैं घर पे, जब जो पहले नहीं खेती वेती होती थी अब खेती होने लगी है, तो आपको किस तरीके की मदद मिली है इसमें? आपने तो क्या बहुत मदद मिली है, क्योंकि पहले हम उधर से कमा के लेके आते थे तो सभी खाने में जाता था, अभी खाने का तो बच रहा है हमारा, अभी उधर से जो कमाई है हम और चीज में लगा रहे हैं, कई बार घर बनाना, कुछ करना, लड़कों को पढ़ाना, अभी हमारा घर का नाज होने लगा है पानी से, बहुत फायदा हुआ है पानी से हमें। क्योंकि पहले जो कमा के लगे थे अनाज लेना था इधर, गेहूँ लेना है, सरसों भी, तेल भी लेना, अभी हमारा खुद का तेल हो रहा है, सब्जी भी घर का हो रहा है, तो अभी बहुत फायदा हो गया हमें पानी से, हमारा आधा मतलब पैसा बच रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। आपको लगता है कि इस तरह के पोखर और बनने चाहिए इस इलाके में? बननी चाहिए सर, क्यों नहीं बननी चाहिए, सभी का भविष्य सुधर जाएगा इधर, क्योंकि इधर ग्रामीण क्षेत्र में कौन क्या जाने नहीं, कुछ भी जानता नहीं है लड़का लोग, सभी आदमी लोग, इधर पोखर बनने से सभी का खाना पीना चलेगा, पानी रहेगा तो जानवर भी पानी पिएगा, इंसान भी खुश रहेगा।